और ये जो रेड लाइट है ना मदर डेयरी वाली, इसका अपना ही कलेश है। प्रॉब्लम ये होती है कि जो आंखों के सामने गाड़ी है 2 मिनट के लिए खड़ी करी है और तुरंत पुलिस वाले ले रहे हैं। इनफैक्ट जो उनकी क्रेन होती है गाड़ी उठाने वाली, वो आ गई खड़ी। अरे अब ये मैं बोल ही रहा था और यहाँ पे गाड़ी टो कर रहे हैं ना। ये यहाँ की सबसे ज़्यादा खतरनाक रेड लाइट है। खतरनाक इसलिए कि लाइट बहुत कम देर के लिए होती है, 25 सेकंड के लिए, और आप शायद 15 सेकंड ही है सॉरी, और आप तो निकलते हैं। बट ये अच्छी है यार, पार्किंग यहाँ सेफ है, गाड़ी आपकी कोई उठाएगा नहीं, टो नहीं करेगा, और सबसे बड़ी बात ये फ्री है। और ये जो रेड लाइट है ना मदर डेयरी वाली, इसका अपना ही कलेश है। प्रॉब्लम ये होती है कि जो आगे वाली लाइट है वो 2 सेकंड आगे चलती है, तो अगर जब आपने क्रॉस किया उस टाइम है यहाँ 4 सेकंड, तो जब आप क्रॉस करके आगे पहुँचेंगे तो बचेगा 2 या 8 सेकंड। और जनरली प्रॉब्लम होती नहीं है, लेकिन थोड़ा यहाँ ट्रैफिक जाम होता है, जो लोग रहते हैं मदर डेयरी पे तो उनको पता होगा, अगर येलो लाइट के आसपास अगर आप क्रॉस कर रहे हो तो वो थोड़ा सा रिस्की हो सकता है, क्योंकि पुलिस वाले यहाँ पर खड़े होते हैं, अक्सर खड़े होते हैं, जो आगे आपका इंतज़ार कर रहे होते हैं खुली बाहों से कि आ मेरे भाई चलान कटवा दे, एक बार तो आ जा। तो यहाँ पर लेकिन रहता है जाम, यहाँ थोड़ा सा हमेशा रहता है, लेकिन ठीक है यार, स्टिल दिल्ली है तो आई स्टिल लव द जाम ओवर हेयर। अभी कुछ टाइम पहले थोड़ा बाहर भी ट्रेवल आउट किया था कोलकाता साइड, बट अगेन प्रॉब्लम वही है वहाँ पे, पता नहीं, पर्सनल प्रेफरेंस है, मुझे तो अच्छा लगता है इधर। और ये जो रोड है ना, ये पहले होती थी क्या बोलते हैं किसी ज़माने में 2 लेन की, तो समझ सकते हो, आइडिया लग रहा होगा आपको। और पहले चलती थी ब्लू लाइन बसें भी, जो बड़ी वाली होती थी, उस टाइम का भी टाइम देखा हुआ है यहाँ पे हमने। तो जब 2 लेन की रोड होती थी तब क्या हाल होता होगा, कंसिडरली अब तो काफ़ी चौड़ी हो चुकी है रोड ये वाली, जो लेफ्ट लेन है आप बिल्कुल उधर क्या बोलते हैं, लेकिन स्टिल लोगों ने गाड़ी खड़ी करी हुई है। कुछ लोग होते हैं समझदार जो गाड़ी थोड़ा फुटपाथ पर चढ़ा देते हैं, बट स्टिल। लेकिन तो यार मेरा एक फ्रेंड है, उसने मुझे सजेस्ट किया था कि ये जो व्हील ऑलिंग है, मोटो व्हील ऑल वाला पार्ट है, इसको भी ट्राई आउट कर सकते हैं, बिकॉज दिल्ली में काफ़ी कुछ है देखने के लिए जो हम डेली ट्राई आउट करते हैं। और एनीवेज मैं रिकॉर्ड करता ही हूँ गाड़ी चलाते हुए, तो इट्स बेटर कि उसमें थोड़ा सा फ्लेवर भी ऐड कर दें। एनीवेज बताइए आपको कैसा लग रहा है, थोड़ा क्या चेंजेस इसमें करने चाहिए, आपको अच्छा लग रहा है ख़राब लग रहा है, जो भी फीडबैक है एक बार कमेंट्स में जस्ट लेट मी नो, बताइएगा कैसा लगेगा। और यहाँ पर जो है ना, अभी थोड़ा सा चेंज हो गया है, हमें गणेश नगर जाना है, गणेश नगर के लिए हमें आगे से लेफ्ट लेना पड़ेगा, ये राइट वाली जो रोड आप देख रहे हो ये बंद कर दिया है, पहले यहाँ बहुत जाम लगता था, लेकिन अब ये नया बना दिया है लेफ्ट साइड से, फ्लाईओवर के नीचे से जो यूटर्न लेके आना होता है, तो नाउ इट्स मच बेटर, काफ़ी यहाँ पर रिबेट है। अच्छा आपको भी मुड़ना है, चलो अपने कोई जल्दी नहीं है यार, आराम से तसल्ली बात छोड़ के गाड़ी चलाओ, रिलैक्स हो के, कोई जल्दबाजी नहीं, कोई हरी नहीं, जिसको निकलना है निकलने, रास्ता दे दो, साइड दे दो, टायर हो बिना मतलब पन के लो आराम से, जल्दबाजी में काम उल्टे ही होते हैं, तो धीमे धीमे शांति से चलाओ गाड़ी, एंजॉय करो। तो ये जो है ना, ये वाली रोड बड़ी डेंजरस है, यहाँ पर एक लेन ही बचती है, 2 लेन की तो रोड ही है, 2 भी नहीं 1.5 लेन की है, और कभी भी पुलिस वाले आके गाड़ी उठा के ले जाते हैं, तो कभी भी गलती से गाड़ी यहाँ खड़ी मत करो, एज गुड एज डैट। मैंने देखा है कितनी बार आंखों के सामने गाड़ी है 2 मिनट के लिए खड़ी करी है और तुरंत पुलिस वाले ले रहे हैं। इनफैक्ट जो उनकी क्रेन होती है गाड़ी उठाने वाली, वो आ गई खड़ी। अरे अब ये मैं बोल ही रहा था और यहाँ पे गाड़ी टो कर रहे हैं, यार बहुत डेंजरस जगह है, यहाँ पे कभी भी गाड़ी छोड़ के मत जाना दोस्त, नहीं तो तुम्हारी गाड़ी पक्का उठ जाएगी। और एक बार जो गाड़ी उठा ली तो भाई फिर वो छोड़ने वाला नहीं है, फिर तो वो लेके ही जाएगा, चार्ज है यार उसका भी, इनको तो आई डोंट नो कमीशन बेसिस पे होता है कितनी गाड़ियाँ पहुँचाई, तो एक बार गाड़ी अगर लिफ्ट कर ली तो वो तो फिर आपको छोड़ा के लेके आनी पड़ेगी, बहुत दिक्कत है। और इस साइन को ध्यान से देखिए, इस रोड पे आगे ई रिक्शाज अलाउड नहीं है, और उसका रीज़न है कि रोड जो है बहुत छोटी है, और स्कूल भी है यहाँ पे आगे, और रोड छोटी है, और जो ई रिक्शाज वाले हैं ये जाके बेसिकली पूरा जाम क्रिएट करते हैं। अगेन यार नथिंग अगेंस्ट, कुछ गलत बात नहीं है, लेकिन सब मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, कमा रहे हैं, और स्पेशली कोविड के बाद तो काफ़ी बुरा हाल हुआ है, लेकिन फिर भी जो जाम होता है ना, दे डोंट फॉलो द रूल्स, रूल्स कोई फॉलो नहीं करता है, कहीं भी गाड़ी घुसा देंगे, रिक्शा घुसा देंगे, ई रिक्शा कहीं भी फंसा देंगे आप। और वही एक सबसे बड़ी प्रॉब्लमेटिक एरिया है, अगर आप देखोगे यहाँ पे ना, तो हर क्रॉसिंग पे, हर मीडियन पे साइन लगा हुआ है, बट स्टिल ये लोग फॉलो नहीं करते।
और ये जो है ना, ये यहाँ की सबसे ज़्यादा खतरनाक रेड लाइट है। खतरनाक इसलिए कि लाइट बहुत कम देर के लिए होती है, 25 सेकंड के लिए, और आप शायद 15 सेकंड ही है सॉरी, और आपको रोड इसमें क्रॉस करनी होती है दूसरी तरफ रेड लाइट जहाँ भी जाना है, और लेन सिर्फ दो ही हैं। लेन है तो तीन, लेकिन वो इफेक्टिव लेन जो हैं वो दो ही रह जाती हैं आगे बढ़ते बढ़ते, तो ये बहुत दिक्कत हो जाती है। और यहाँ से ये रहा सामने एक ई रिक्शा, एक और यू टर्न करते हुए जिस रोड पे अलाउड नहीं है उस रोड पे चलते हुए, और यहाँ से राइट। तो यहाँ पे इस एरिया में ना जो सबसे बेस्ट जगह है गाड़ी पार्क करने के लिए वो है V3S मॉल। एंड अगेन जैसा मरा डेरी पे था सेम प्रॉब्लम यहाँ पे भी है, गाड़ी अगर आप बाहर छोड़ते हो तो कभी भी उठ सकती है, और उठने की दिक्कत भी नहीं है। आजकल तो क्या होता है ना, पुलिस वाले आते हैं सिर्फ नंबर नोट करते हैं, फोटो खींचते हैं, चले जाते हैं, चलान सीधा आपके घर पे स्पीड पोस्ट से भी क्या, वो तो ऑटोमेटिक गाड़ी में ऐड हो जाता है, ना भी आए तब भी गाड़ी में लिस्ट हो जाता है आपका। तो चलो यार अंदर मुड़ते हैं, गाड़ी ले रहे हैं, फिर आगे बढ़ें। चलो भाई गाड़ी यहाँ खड़ी करते हैं, और उसके बाद थोड़ा सा काम है यहाँ मेरे को, एक घंटा लगेगा वो करके फिर वापस चलते हैं, निकलते हैं। बट ये अच्छी है यार, पार्किंग यहाँ सेफ है, गाड़ी आपकी कोई उठाएगा नहीं, टो नहीं करेगा, और सबसे बड़ी बात ये फ्री है। और फिर दोबारा एक वही रेड लाइट, एक है मतलब वही रेड लाइट, और बहुत लंबी रहती है। और यहाँ पे अगर गाड़ी लंबी रुक रही है तो प्लीज़ अपना इंजन ऑफ कर दें, इग्निशन ऑफ कर दें, डोंट पोल्यूट दी एयर। मतलब पोल्यूशन तो हो रहा है लेकिन जितना आप कम कर सकते हैं अपना योगदान दें, अपना एफर्ट दें। और ये काफ़ी जगह में मिल जाएगा, जो भी इंटरनल रोड्स हैं हर आदमी को जल्दी लगी पड़ी है, अरे मुझे यहाँ से जाना है, यहाँ से जाना है, अरे भिड़ जाए गाड़ी किसी और की, अपने तो जल्दी नहीं है, अपन तो बिल्कुल रिलैक्स होके आराम से चिल मार के ड्राइव करते हैं, एकदम बिल्कुल चिल होके जा यार, तू भी निकल जा। अभी आगे निकल रहा है, आगे यहाँ पे एक लेफ्ट में भी गाड़ी है, आई डोंट नो कितना दिख पा रहा है लेकिन वो पूरा फंसा के खड़े हुए हैं सारे अपने, कोई नहीं वी विल वेट, सबको निकलने दो, कोई जल्दी नहीं है अपन को। चलो अंकल जी अब तो बढ़ा लो, जा यार जा, तू भी जा, निकल ले पहले। मतलब और जो ई रिक्शा के बाद जो सबसे ज़्यादा डेंजरस गाड़ी चलाने वाले हैं वो हैं डोमिनोज़ वाले, और डोमिनोज़ के बाद हैं स्विगी वाले, ये भाई बहुत गलत तरीके से गाड़ी चलाते हैं, अनसेफ। अगेन एक जनरलाइजेशन बता रहा हूँ मैं, जो जनरली दिखता है, नॉट ब्लेमिंग या एक्यूजिंग एनीबडी, किसी स्पेशली किसी बंदे को नहीं बोल रहे, लेकिन फिर भी और एक बेहतरीन एग्जांपल, चार लेन से दो लेन कैसे हुए और दो से भी एक, आई थिंक कुछ काम चल रहा था शायद यहाँ पे रोड का आगे, तो एक या डेढ़ लेन ही एक्टिव है आगे। चलो बढ़ें यार, ट्रैफिक बहुत रहता है इधर कभी कभी, और ये तो मैं अभी दोपहर के टाइम पे आ रहा हूँ यहाँ पे, अगर आप शाम में आते हैं या मॉर्निंग में आते हैं पीक टाइम पे तो मज़ा आ जाता है, एकदम दिल खोल के मज़ा आ जाता है। तो अभी घर पे आ रहे हैं, और एक आया हुआ है पैकेट, बोल के देखते हैं इसमें क्या है। बेटा कौन सा है? और ये है पैकेट, इसको अब हम खोलेंगे, चाकू थोड़ा सा छोटा है। और यहाँ पे आया ऑफिस की तरफ से एक जॉइनिंग किट का गुडीज पैक, इसके अंदर क्या है वो देखेंगे अगले वीडियो में, लेट मी नो कमेंट सेक्शन में अगर आप भी जानना चाहते हैं इसमें क्या था।
तो आई होप यू लाइक द वीडियो, पसंद आया तो थम्स अप दबा देना, सब्सक्राइब और बेल आइकन भी दबाई देना यार, मोटिवेशन मिलता है। और ये नया फॉर्मेट है, मैं ट्राई कर रहा हूँ, लेट मी नो इन द कमेंट्स कैसा लगा आपको। सी यू नेक्स्ट टाइम।